यहाँ पे दम घुटने वाला सीन लग रहा है। इन लोगों ने चप्पल के नीचे वाले सतह का पैटर्न ही चेंज करके रखा था। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज वियतनाम में मेरा तीसरा दिन है होचीमिन सिटी में, और आज हम लोग जाने वाले हैं कुची टनल। इसके लिए मैंने एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है द सन ट्रैवल नाम से, उससे मैंने बुक कराया। मैंने तो पर पर्सन हमें $20 का खर्चा लगा, यानी मोटा मोटी 1500 से 1600 रुपये। और उसमें फ्री पिकअप है, वन टाइम आपको छोटा सा मील मिल जाएगा, फ्रूट्स वगैरह रहेगा। तो चलिए बाकी बातें टनल पहुँच कर करेंगे। तो दोस्तों यही वो बस है जिसने हमें हमारे होटल से पिक किया है, और तकरीबन यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर है, तो अमूमन 1.5 से 2 घंटे लगने। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुची टनल, और यहाँ पे हमें लगा बस से 1 घंटा आने में। यहाँ पे एंट्री होने के बाद ना आपके बॉडी या फेस पे कहीं पे भी टिकट पेस्ट किया जाएगा। ये देखो, ये है वो टिकट। इसी रास्ते से हम लोग अभी टनल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो जो आप उधर देख रहे हो ना, लोगों की भीड़, वो जो ट्राई मार रहे हैं टनल में जाके करवा रहे, फोटो खिंचवा रहे, वीडियो बना रहे, दरअसल वो एक डेमो टनल है। और जो ओरिजिनल टनल है वो ये रहा। इसके अंदर गाइस ना लिटरली घुसना उतना आसान नहीं है, और इसके लिए थोड़ा चाहिए फिट बॉडी। यहाँ का माहौल ऐसा है ना कि अगर उसको कवर कर दो तो पता भी नहीं चलेगा कुछ वहाँ पे था। बेसिकली ये होता था ना कि ये तो आपको डम्मी बनाया हुआ है, ये रियल हुआ करता था, और उसके नीचे लोहे की कील रहती थी, बांस बत्ती। तो अगर आपका पाँव लिटरली फिसला तो सीधा आप देखो मौत होना तय है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो ये बंदा उस पौधे के बारे में ये बोल रहा था, अगर मजाक किया है, थोड़ा फनी है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना तो उसको खिला दो, और उसकी मौत भी हो जाएगी ना, और डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते पोस्टमार्टम में, वो सीधा बोल देते हैं कि हार्ट अटैक था। तो दोस्तों अभी जो आपने ये गड्ढा देखा, इसमें वियतनामी जो सोल्जर्स थे वो छुप कर रहते थे, और वो इतने पतले दुबले फिट बंदे थे ना कि वो अंदर दबे रहते थे। और आपको US वाले जो थे वो थोड़े हट्टे कट्टे थे, ये लोग बंदे जैसे पहुंचते थे US वाले वो अंदर दुबक जाते थे और मिलते ही नहीं थे, और ठीक उसके बाद ही US वालों का गेम बजा दिया जाता था। तो अभी जो आपने देखा वहाँ पे था मूर्ति बना के रखा वहाँ पे वियतनामी सोल्जर्स का, जो वहाँ पे बैठते थे फ्री टाइम में, आके वहाँ बैठते थे और थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट होता था, खाना पीना होता था। व्हाट हैपेंड टू योर लेग? आई बर्नड माय लेग ऑन अ आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, इट्स अ स्कूटर विद द लाइक वेयर द स्मोक कम आउट। ओह दैट साइलेंसर वी कॉल इट। या So yeah, I put my leg on there and then I burned it. Yeah, I saw in the class. कुछ हुआ था लड़ाई में?
practice was stopped or destroyed by the Dalai Lama in 1917. So if you guys come closer to the tank, you see that's a lot of bullet marks here, AK-47. और ये जो टैंक आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक अमेरिकी M-41 टैंक है उस जमाने का, जिसको कि लैंडमाइन में डिस्ट्रॉय कर दिया था वियतनामी सोल्जर्स ने। ये जो देख रहे हो ना, ये भी बिल्कुल लिटरली वैसा सेम टू सेम ही है। देखो ये बनाया हुआ ये यहाँ पे, और कैसे मौत होती थी, सोल्जर्स जा रहे हैं, वो बंदा फंसा इसके ट्रैप में, गया, ये भी गया, ये वाला भी गया। अमरीकियों को पता होता नहीं था, और ये वियतनामी सोल्जर्स के ट्रैप में फंस के अपनी जान दे देते थे। ये ना उन वियतनामी आर्मी का चप्पल वगैरह था, जो ये वो अपने पाँव में भी पहनते थे और हाथ में भी पहनते थे, इतना दिमाग का तेज थे ना। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई हमारा पीछा कैसे करेगा, हमारे चप्पल के पैटर्न से। इन लोगों ने चप्पल के नीचे वाले सतह का पैटर्न ही चेंज करके रखा था। अब जैसे देखो ऐसा पैटर्न बना के रखा है ना, अगर आप जाओगे आगे लेकिन पैटर्न बनेगा आपका पीछे आने का, तो ये सीन है। तो जिस वक्त का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे टनल में जाने का, वो वक्त आ गया है भाई। डर तो थोड़ा सा लग ही रहा है, लेकिन ये एक अलग किस्म का एडवेंचर है अपने आप में। कुछ लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ट्रैवल अब्रॉड भी है, फ्लॉप यूट्यूबर सबको ही है, तो और गोरे तो सबसे पहले एडवेंचर करने के मामले में आगे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर का क्या सीन रहता है, अंदर का व्यू क्या है, क्योंकि उस जमाने में क्या था ना, स्नेक कॉकरोच इंसेक्ट्स वगैरह सबका टेंशन रहता था। अभी का क्या सीन है वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। ये ना फर्जी टनल है भाई, ओरिजिनल वाले में हम लोग घुस नहीं पाते। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे दरकना है। अच्छी वर्कआउट होने वाली है यहाँ पे। भाई काफी खतरनाक एक्सपीरियंस है यहाँ पे का। ये तो जो टनल है ना, ये डुप्लीकेट है, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और जो ओरिजिनल टनल था उसकी इतनी चौड़ाई भी नहीं थी, ये तो हम लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए चौड़ा कर रखा है भाई। यहाँ पे दम घुटने वाला सीन लग रहा है। ओ भाई साहब, कसम से भाई बहुत खतरनाक एडवेंचर है ये। अब सोचो ये नकली वाला है, ओरिजिनल वाले में क्या गत होता हम लोगों का। So how are you feeling? It's really hot. हालत खराब है। How was the experience? It was something else. Yeah. तो गाइस देखा आपने वीडियो में कि कितना खतरनाक सीन था टनल के अंदर में। और ये जो टनल था ना दोस्तों, ये डुप्लीकेट बनाया गया फेक, लोगों को यादगार दिखाने के लिए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और जो ओरिजिनल टनल जो था ना, उसकी चौड़ाई बहुत कम थी, क्योंकि ये जो वियतनामी सोल्जर्स थे वो काफी फिट और पतले दुबले थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो गुड। एंड योर? रियली गुड। एंड योर एक्सपीरियंस? आई वाजंट डाउन देयर। ये गई ही नहीं, सी डिडंट गो। और ब्रदर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इनसाइड? मैं तो ज्यादा अंदर गया नहीं, बस थोड़ा आधा जाके फिर मैं वापस आ गया, मुझे दम फूलने लगा था मेरा। ये भाई ज्यादा अंदर गए नहीं क्योंकि इनकी सांसें फूलने लग गई थी। दोस्तों ऊंची टनल वाली वीडियो यहीं पे होती है एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और वीडियो को भाई शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।